ऐसी होनी चाहिए तो क्या उनके लिए क्या मैसेज है? एक्चुअली शॉर्टकट हम ये कहेंगे शॉर्टकट किससे, शॉर्टकट या आप स्टेरॉइड लो या सप्लीमेंट लो, ठीक है। हम एक बात कहना चाहते हैं, ये जो स्टेरॉइड और सप्लीमेंट ये इसके ये हम कंपेयर नहीं कर सकते, स्टेरॉइड को सप्लीमेंट के साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। स्टेरॉइड क्या है, स्टेरॉइड व्हाट इज स्टेरॉइड, स्टेरॉइड इज अ ड्रग, ड्रग को रिकमेंड कर सकता है डॉक्टर। इफ यूर ट्रेनर इज डॉक्टर देन फॉलो, इफ नॉट देन अनफॉलो। सप्लीमेंट क्या है, सप्लीमेंट इज अ डाइटरी फूड, ये दूध से बनता है, एग से बनता है, मगर एक बार ये ऑरिजिन ऑथेंटिक हो तो सप्लीमेंट इज गुड, स्टेरॉइड इज बैड, ये एक्चुअली इसमें ये डिफरेंस है। एक्चुअली क्या जो फैटी होते हैं उनको क्या करना होता है, पहले फोकस करना होता है डाइट, वो प्रॉपर डाइटिंग के बगैर अगर वो एक्सरसाइज करे या जिम या एक्सरसाइज, वो उसके बगैर डाइट के बगैर कुछ पॉसिबल नहीं है, कुछ भी पॉसिबल नहीं है। उसको पहले फोकस करना है डाइट पे, देन गो टू एक्सरसाइज, देन गो टू जिम। फिटनेस, व्हाट इज फिटनेस, फिटनेस क्या है, फिटनेस ये नहीं है आपके पास सिक्स पैक एबो, आपके पास बिगर बाइसेप्स, वाइड बैक, बिगर लेग्स, ये फिटनेस का मीनिंग नहीं है। एक्चुअली फिटनेस का मीनिंग ये है आप इनसाइड और आउटसाइड फिट हो, आप दिखने में फिट हो, कोई भी हेल्थ इशू ना हो, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल, चाहे वो बीपी, शुगर, थायराइड, कोई भी हेल्थ इशू ना हो, दैट्स कॉल्ड द फिटनेस जी। एक्चुअली कोई भी एज परफेक्ट है जिम और एक्सरसाइज के लिए, चाहे वो 14 ईयर का लड़का हो या 16 ईयर का रिटायर हो। पर थोड़ी बहुत डिफरेंस है, 16 ईयर का लड़का, 16 ईयर का रिटायर वो कार्डियो कर सकता है अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए, और 14 ईयर और 24 इसमें थोड़ी बहुत डिफरेंस होती है। 24 का थोड़ा हेवी स्क्वाट्स कर सकता है, हेवी डंबल प्रेस कर सकता है, ये थोड़े अवॉइड करने होते हैं 14 ईयर्स के लड़के को, क्योंकि उसका जो पीरियड होता है उस टाइम, उसका पीरियड होता है ग्रोइंग एज होती है उस टाइम, उसकी जो हाइट इंक्रीज होती है उस टाइम। एक्चुअली हाइट क्या है, हाइट तो जेनेटिक्स है, 99% जेनेटिक्स, फिर भी थोड़े अवॉइड करने होते हैं एक्सरसाइज, क्योंकि ट्रेनिंग उस